आप टेक्नोटेक जीपीएस का कोई भी वीडियो देख रहे हो तो आपको नीचे सब्सक्राइब का बटन दिख जाएगा, इस पे सब्सक्राइब कर दीजिए। इसके बगल में बेल आइकन है, इसको दबाना बिल्कुल मत भूलिए। और अगर आपके पास किसी भी कंपनी का कैसा भी जीपीएस है तो आप हमें कांटेक्ट करके उसको चालू करा सकते हैं। नीचे आपको नंबर दिए गए हैं, कॉल कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए, ईमेल भी कर सकते हैं। कैसा भी जीपीएस हो आप उसको ऑनलाइन मैप के ऊपर चलता हुआ देख सकते हैं। फिर नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका टेक्नोटेक जीपीएस में। और आज हम लगाने वाले हैं महिंद्रा की XUV 5 डबल ओ में जीपीएस, वो भी इग्निशन ऑन ऑफ वाला विद रिले। और उसके लिए सबसे पहले हमने क्या किया है, इसका ये खोला है और इसको इजीली खोल लेंगे। नीचे ये एक दो तीन तीन नट हैं, इनको खोल लेंगे और ये बाहर आ जाएगा। बट उसके लिए हमें पहले ये इस तरीके से लगा होता है, पेचकस डाल के इसको बाहर निकाल लेंगे, ईजिली बाहर आ जाएगा। और उसके बाद चार नट खोल के ये बाहर कर लेंगे और उसके बाद आपका एक दो तीन नट है ये भी बाहर आ जाएगा। और इसको अब हम साइड कर देंगे ताकि हमारे पास स्पेस हो जाए काम करने का। ये तीन चीज़ें हैं हमारी, अभी आ गया है। उसके बाद ये कपलर निकाल लेंगे, यहाँ पर लगा हुआ था, इसके साइड में ये दबाने वाला है। ये इसको थोड़ा सा, इसको हल्का सा पुश करेंगे, प्रेस करेंगे सॉरी, और ये बाहर आ जाएगा। अब सारे कनेक्शन हमारे इसमें हैं क्योंकि इसको लगाने के बाद गाड़ी चल रही है और इसको निकालते ही कुछ नहीं हो रहा है, इसके अंदर सारा करंट गायब। तो अब हम इसमें चेक कर लेंगे डायरेक्ट कौन सा है। उसके लिए हम ले लेंगे एक मीटर, ये रहा मीटर, और रेड वायर को हम यहाँ पे लगाएंगे, ब्लैक को इसके नीचे। इसको कर लेंगे 20 पे क्योंकि सिंगल बैटरी है, 12 वोल्ट आता है तो 20 पे होगा। और अगर ट्रक में लगाते हैं 24 वोल्ट है तो वो 200 पे चेक होता है। मतलब ट्रक में अगर डबल बैटरी है तो यहाँ पे चेक होगा, अगर सिंगल बैटरी है ट्रक में तो वो भी यहीं चेक होगा। सिंगल बैटरी में सब में यही चेक होगा क्योंकि 12 वोल्ट होती है, एम्पियर ऊपर नीचे होते हैं बस। ये हम बॉडी अर्थ में लगा लेंगे इसको, ये रहा बॉडी अर्थ आपका, इसमें हम इसको कहीं फंसा देंगे। हाँ, इसमें लगा देते हैं टेम्परेरी बेस पे, इसमें बॉडी अर्थ आ रहा होगा। और हम इसको लेके चेक करते हैं। सारी गाड़ियों में जीपीएस इसी तरीके से लगता है, चाबी के पीछे एक ये कपलर होता है जिसके अंदर मोटी सी वायर होते हैं, इसी में लगता है। देख लीजिए, ये 12 वोल्ट है, डायरेक्ट है, ठीक है, ये वाला डायरेक्ट है। और इसमें नहीं आ रहा करंट, इस ये भी 12 नहीं, इसमें भी नहीं आ रहा, इसमें भी नहीं आ रहा, इसमें भी नहीं आ रहा, हिल गया ये, कहीं ढंग की जगह लगाना पड़ेगा। इसको हम इसके अंदर अटका देते हैं, ये हमने यहाँ पे अटका दिया अर्थ, बॉडी अर्थ, इसके अंदर आ रहा है, जहाँ पहले आ रहा था वहाँ पे आ रहा है। इसके नीचे वाले में देख लीजिए, इसमें भी आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा, इसमें नहीं आ रहा, और इसमें भी नहीं आ रहा। मतलब इन दो वायर्स में आ रहा है, सेंटर वाली अप एंड डाउन, एक दो तीन में नहीं आ रहा। अब हम इसमें देख लेंगे सेल्फ की कौन सी है और मीटर की कौन सी है। उसके लिए हम एक वायर का टुकड़ा ले लेंगे, छोटा सा एक हम वायर का टुकड़ा ले लेंगे, एक एंड को हम डायरेक्ट में लगा देंगे। मुझे लगा तुम चले गए। एक एंड को डायरेक्ट में लगा देंगे और एक को लगाएंगे हम ये मीटर जाना, इसमें नहीं आई, ये स्टीरियो है, स्टीरियो की है ये किसमें नहीं चल रहा, मीटर में लाइट आ गई ना। फ्यूल वाला है, लगा तो दिया मैंने, ये निकाल दिया मैंने, ये लगा दिया, डिजिटल है ना। हाँ ये आपका मीटर वाला है, इसमें सेल्फ की नहीं है ना, ऐसे कैसे आ जाएगी।
रहेगी। ये सेल्फ की है, ठीक है, ये वायर कटेगा, कंफर्म हो गया, जिसके अंदर हमारी डैशबोर्ड की लाइट जल रही है, ये है वाइट वाली, इस वाइट को कट कर लेंगे हम। पकड़ इसको, चालू है ना? हाँ। अब देख लीजिए, हमने इसमें ये पिन लगा लिया, ये पिन आपको बाहर मार्केट में मिल जाएगी। वैसे ऐसा मत करिए डायरेक्ट वायर को, ये वाइट है जैसे, इसको काट के ही लगाइए, ज़्यादा बेटर है, हम तो काट के ही लगाते हैं। अरे नीचे वाले में लगी थी ना ये, देखना है? नीचे वाले में थी ना ये? हाँ, नीचे वाले में। गलत ना फंस जाए ना, नीचे वाले में। ऐसी थी ना ये? डालो। अच्छा, अंदर जाते फंस जाएगी वो, लॉक होगी ना। हाँ, ये रिले लग गई। अब एक एंड हम इसका, इससे दो तीन, सबका सेम ही होता है, ऐसे ही मैंने उसमें लगवाया था। हेलो यार भाई, एक बार और कंफर्म करना, येलो एसीसी है ना? क्योंकि येलो हमारा एसीसी कभी नहीं हुआ आज तक। तो पूछो आप एक बार, इन्होंने भी येलो मुझे ना एसीसी बताया। हाँ सर, वेट कर लो 10 मिनट। हाँ, मैंने येलो को एसीसी कर दिया है। येलो ये अच्छा, कंफर्म है? हाँ, इस वाली में ये है। फोन करूँ नहीं करूँ? कंफर्म कर लो यार, अगर कुछ गलत नहीं, इन्होंने भी मुझे येलो एसीसी ही बताया था, हमारा कभी होता नहीं। हाँ। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ, मैं कहा एक बार क्रॉस चेक कर लो दोबारा से, अगर गलत लगा दोगे तो क्या होता है? चलेगा नहीं, रिले काम ही नहीं करेगा आपका, बाकी सब काम कर जाएगा। हाँ। तो बात चेंज कर देना अगर हुआ। अरे यार क्यों बेकार में दोबारा गाड़ी खुलवाओगे? मैं तो फोन कर रहा हूँ। कोई बात नहीं, एक बार और, मैंने इनको बोला है भाऊजी आपका अपने ओनर है। नहीं, वो दूसरा मैंने नंबर दिया। हम इंपोर्ट करते हैं, आपको कोई भी प्रोडक्ट हो सवा के दे देंगे, पैसों पर घर पे आ जाएगा। नहीं नहीं, आ जाएगा। अरे चल, आपको एक मेरे को जरा स्लिप भेज दो। नहीं नहीं, रहने दो। अरे टेप आप हमसे लेना है यार। नहीं, मेरे को लगा कि यहाँ नहीं है, इसलिए। नहीं नहीं, टेप सब कुछ है हमारे पास, हम टेप भी अलग रखते हैं। आप इतने ना लैपटॉप खोल एक बार क्या? अरे कुछ नहीं नहीं, हाँ हाँ, मिल गया, आज निकल जाएगा। इसको हमने लगा दिया है, एक रिले की साइड ये, ठीक है, एक साइड ये होता है, कट होने के बाद सेम सिस्टम होता है, एक साइड ये ग्रीन एंड लगा देना, एक साइड ये ग्रीन एंड लगा देना, और इसके साथ में एक साइड किसी भी साइड एसीसी लगा देनी है हमको। हमने एसीसी लगा दी है, इसमें जो एसीसी है येलो कलर की है, वैसे नॉर्मली येलो कलर की एसीसी होती नहीं है जीपीएस में, एसीसी जो वाइट होगी, ऑरेंज होगी या ग्रीन होगी, येलो बहुत रेयरली होती है। और ये आपकी है इग्निशन की वायर, ये सब आप जीपीएस खरीदेंगे तो उसके साथ में आपको बता दिया जाएगा, तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। चुप रहे आप, तो यही तो लो चाहे इसमें, ये वो है, ये येलो है। हाँ, ये येलो है इसकी, और ग्रे है जो वो ब्लैंक छोड़नी है, वो सिग्नल वायर है, कलर का फेर है बस, और कुछ नहीं है। चल तो जाएगा वैसे, कोई और हो तो चल जाएगा। अब ये हमारी डायरेक्ट है, इनकी खुद ही कंपनी, खुद का काम है इनका, ये खुद ही खुद लाते हैं अपना ब्रांड। ये डायरेक्ट है, इसको हम डायरेक्ट में, इसके साथ हम रिले की वाइट भी कनेक्ट कर लेंगे, इसको हम लगा देंगे डायरेक्ट पे। 43 की रिले की जो वाइट है, इसको हम डायरेक्ट जीपीएस का जो डायरेक्ट होगा, जो डायरेक्ट वाडा बोल्ट पे लगेगी वायर रेड कलर की, इसके साथ मिला के हम डायरेक्ट लगा देंगे। 53800 कर रहा हूँ। ये हो गई हमारे डायरेक्ट वायर। अब इसके बाद रह गई हमारी ब्लैक, ये है बॉडी अर्थ, और बॉडी अर्थ को हम लगा देंगे ऐसी जगह पर जहाँ से हमारा ये सब कुछ मूव भी होता रहे,
बॉडी अर्थ हम लोग कहाँ लगाएंगे? इसको अब हम कपलर को वापस लगा देंगे, हमारा काम लगभग कंप्लीट हो चुका है। फाइनली हम एक बार इसको चेक कर लेते हैं, हमारे सारे कनेक्शन एकदम ठीक होंगे तो फिर अरे हेलो, मैंने पैक भी तो कर दिया है। बोलो बेटा। इसको हम वापस खोलेंगे चेक करने के लिए। एक्चुअली हमें चेक करके ही पैक करना चाहिए था ये, बट हमने कर दिया है क्योंकि लगा लगा के हम बोर हो चुके हैं जीपीएस, इसलिए इसको हम अब ब्लैक से टच करेंगे। अगर चलती हुई गाड़ी बंद होती है तो मतलब हमारे कनेक्शन बिल्कुल ठीक है, वरना कोई ना कोई गड़बड़ है। बंद हो गई, ठीक है, अब सिर्फ सेल्फ लेगी, चलेगी नहीं है। ये देख लीजिए, सेल्फ लेगी तो कैमरा आपका हिलेगा। इस पे रख लियो कैमरे को ऐसे चिपका के, ये देख लीजिए हम सेल्फ लेंगे, गाड़ी हमारी सिर्फ हिलेगी, चलेगी नहीं। इसको हटाते ही ये चल पड़ी, ये देख लीजिए सब कुछ ऑन है। जैसे हम इसको इसमें टच करेंगे सब कुछ गायब, मतलब हमारे कनेक्शन बिल्कुल ठीक है। अब हम इसको पैक कर देंगे, टेपिंग वगैरह कर देंगे। थैंक यू दोस्तों, अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ये वीडियो शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। थैंक यू दोस्तों, और अगर किसी भी तरीके का आपको बल्क रिक्वायरमेंट है या अपनी गाड़ी के लिए चाहिए जीपीएस, तो हम जीपीएस बेचते हैं, हमारा होलसेल का काम है, रिटेल में चाहते हैं रिटेल में मिल जाएगा, और आप फ्लिपकार्ट अमेज़ोन या हमारी वेबसाइट से भी जाके बाय कर सकते हैं। डायरेक्ट बाय करेंगे तो आपको थोड़ा सस्ता पड़ेगा, थोड़ा नहीं काफ़ी सस्ता पड़ेगा। जीपीएस लगाने के बाद आप इस तरीके से हमारी 99 जीपीएस लॉगिन ऐप है प्ले स्टोर पर, वो डाल सकते हैं और उसके बाद आपको ये सारी गाड़ियाँ इस तरीके से चलती हुई दिखेंगी, ग्रीन रेड, और ये आप यहाँ पे क्लिक करेंगे और ये लाइव मैप पर आपको दिख जाएगी चलती हुई, यहाँ पे भी होगी, ठीक है। तो इस तरीके से आप चलते हुए देख सकते हैं मैप के ऊपर किस स्पीड में जा रही है, ऊपर आ जाएगा आपका, और कितनी देर से खड़ी है वो सब यहाँ पर बताएगा आपको।